गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड आरआईएमसी के लिए एंट्रेंस पेपर की तैयारी करते हैं, मींस इनका एज क्राइटेरिया 10 टू 15 इयर्स के बिटवीन में मैक्सिमम स्टूडेंट इसी पोर्शन के लिए तैयारी करते हैं, यही फील्ड चूज करते हैं। ये फील्ड चूज करते क्योंकि ये अच्छा फील्ड है, इसमें आगे बच्चे के लिए काफी अच्छा स्कोप रहता है एंड बच्चे का स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाता है, उसका माइंड लेवल स्पोर्ट्स में अदर कैटेगरी किसी में भी बच्चा जाए लेकिन वो अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है बच्चा। आज हम बात करते हैं इसके लिए स्टडी मटेरियल, क्योंकि इसके लिए आपका एंट्रेंस पेपर होता है, सैनिक के लिए देख सकते हैं, मिलिट्री के लिए आरएमएस जो आपका पेपर होता है, सीईटी एंड आपका आरआईएमसी, इनके लिए आपका एंट्रेंस पेपर होता है, उनके लिए आपको सभी को स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपना क्लास स्टार्ट करता है ऑनलाइन, ऑफलाइन, होम ट्यूटर कैसे भी अपना अवेलेबल करता है, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल बेस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए, क्योंकि अदर स्टडी मटेरियल जो आप मार्केट से बुक वगैरह परचेज करते हो उनसे आपका बेसिक क्लियर हो जाता है। ये अच्छी बात है कि उनसे आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपने लास्ट टाइम सैनिक स्कूल का पेपर देखा, आपका थोड़ा सा लेवल होने के कारण काफी स्टूडेंट उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए, तो काफी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो नहीं पाया, उनकी आशा थी कि पेपर इतना लेवल का आएगा उन्होंने करके रखा था, लेकिन पेपर हल्का थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। उसके लिए आपको पहले से बेस्ट प्रिपरेशन रखना अपना और अच्छा करना पेपर को सभी में, हम चाहते हैं कि सभी बच्चे सिलेक्ट हो एंड सैनिक स्कूल में जितने भी पेपर देते हैं उनमें मैक्सिमम सिलेक्ट हो, ये नहीं कि सभी बच्चे जो पढ़ाई नहीं करता उसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए हमारा स्टडी मटेरियल इस बार हम प्रोवाइड करवा रहे हैं लक्ष्य एकेडमी, जो आप सभी जानते भी हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल वगैरह भी काफी आपका फेमस, आपने फेमस किया वो चीज कि किस टाइप से मोइस्चर वगैरह नरेंद्र सर वगैरह आपको क्या चीज पढ़ाते, उसके लिए हमने स्टडी मटेरियल निकाला आपके लिए, तो वो चीज देखते हैं और बात करते हैं हम, क्योंकि हमारी एकेडमी को जाना जाता है 150 आउट ऑफ 150, 200 आउट ऑफ 200 दोनों फुल मार्क्स वो इसी इन्हीं नोट से फटकर उनका स्कोर हुआ है एंड हमारा इंग्लिश में भी 50 आउट ऑफ 50 है, उसके लिए भी हम आपको क्वेश्चन वगैरह भी दिखाएंगे किस टाइप के आपके पास हमारा स्टडी मटेरियल है, क्योंकि आप मार्केट में बुक परचेज करते हो तो आपको अच्छा बुक लगता है लेकिन आप सोचते हो कि उससे लेवल क्या करे, तो आप कई और से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, तो वहां से आप जब भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास कई टाइम ऐसा भी होता है कि बुक का ही आपको प्रिंट किया हुआ मिल जाता है, तो मैं आपको स्टडी मटेरियल शो करता हूँ, दिखाता हूँ कि किस टाइप का हमारा स्टडी मटेरियल है, कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे उसको परचेज करना है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले हमारे स्टडी मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड है आपके पास। फर्स्ट पॉइंट है आपका पास कि मैथ्स का आपके पास कितना बुक है, 5 बुक्स। वो 5 बुक्स किस टाइप से बना हुआ है, कौन कौन सा बुक है, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा बुक का फोटो वगैरह देखा, तो हमारे जो स्टूडेंट क्लास कर रहे थे उनको आइडिया था कि अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो हमारे 70 से 80 के बिटवीन अभी सेट्स बिक चुके हैं और हमें आशा है कि क्योंकि अच्छा स्टडी मटेरियल तो सभी स्टूडेंट को मिलेगा तो वो अच्छा करेंगे अपने एग्जाम में। तो हम बात करते हैं अब हमारा स्टडी मटेरियल कैसा है, आपको किस हिसाब से उसका स्टडी करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स के लिए, मैंने आपको बताया 5 बुक्स है, तो 5 बुक्स में आपको मैं दिखाता हूँ किस टाइप से बना हुआ 5 बुक्स, जिसमें आपके पास फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक के लिए हम बात करते हैं फॉर्मूला के लिए, फर्स्ट बुक आता है आपका फॉर्मूला बेस पे, आपको पता है फर्स्ट बुक आपके लिए मेन चीज होता है आपका फॉर्मूला बेस, क्योंकि फॉर्मूला बेस पे आपके पास 60% सिलेबस कवर हो जाता है, मैथ्स की बात कर रहे हैं तो 60% सिलेबस आपका मैथ्स से कवर हो जाता है, इसी से मीन्स फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला बेस क्वेश्चन किस टाइप के, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नंबर सिस्टम 3 से 20 पेज तक आपका, स्क्वायर स्क्वायर रूट 21 से 24 है, टोटली पेज इसमें 1 to 6 पेज है, इसमें आपके पास जो मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके पास एग्जाम में आते हैं उस टाइप के आपके पास सभी इंपोर्टेंट फॉर्मूला इसमें मिल जाएंगे। तो बात करते हैं जैसे हम मेजरमेंट के लिए देखते हैं जो आपके पास 41 पेज पर है उसके लिए बात करते हैं, मीन्स आपके पास क्या क्या दिया हुआ मेजरमेंट में, जैसे आप मेजरमेंट में देखते हो यूनिट के क्वेश्चन है वो आपके पास हर टाइम एग्जाम में आता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल किलोमीटर कितना होता है, 1 मीटर इक्वल किलोमीटर कितना होता है, ये चीज सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा पूछा जाए 1 डेसीमीटर इक्वल मीटर कितना होता है, उन चीजों के लिए भी आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्टडी करना होगा, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर किस टाइप से हमारा स्टडी मटेरियल बना हुआ है, वो चीज आप देख सकते हैं। मेजरमेंट की बात करते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, इस टाइप से आपके पास 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर, 1 स्कोर इक्वल 20 आर्टिकल्स होता है, क्योंकि 1 स्कोर काफी कम स्टूडेंट को आइडिया रहता है क्या चीज होता है, इसके लिए आपको बेस्ट सबसे अच्छा आर्डिसन में आरएस अग्रवाल मैथ्स का भी करना होगा साथ में, ये चीज जैसे आपका मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट के बाद आपका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन 5 से 6 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है आपका, चाहे आप आरएमएस ले सकते हैं, सैनिक ले सकते हैं, आरआईएमसी ले सकते हैं, आरआईएमसी में भी आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन आता है,
तो किस टाइप से ओनली आपको वी वर्ड मोस्ट रूल होता है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, तो वो आपको सोल्व करना होता है। फिर एवरेज की बात करते हैं, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए आपके पास। एवरेज की जितने भी आपके जो मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वो चीज भी आपका पास इसमें आ जाएगा। ऐसे फिर प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, तो मीन्स आपको मैंने बताया सभी जितने भी टॉपिक है आपके एग्जाम में आने के टॉपिक है, तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, हर एक क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड बुक मैथ के लिए। सेकंड बुक क्या आपका, आपने जब ये चीज किया इसके लिए हम सेकंड बुक के लिए बात करते हैं। सेकंड बुक देखते हैं यहां पर, एक सेकंड आपको होम पेज पे देखते हैं। फाइंडर में आपको फिर फाइंड आउट करना है सेकंड आपको क्या चीज मिलेगा। फॉर्मूला आपने किया, फिर आपका सेकंड जैसे क्वेश्चन कोई भी आपने टॉपिक किया उससे रिलेटेड 40-40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो कैसे सोल्व करना मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। फर्स्ट चैप्टर है ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, 100 प्लेस पे एंड रिपीट आपका नंबर स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट से रिलेटेड, रोमन नंबर या आपका जो आपका इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन क्वेश्चन, इस टाइप से आपके पास हर एक चैप्टर से 40-40 क्वेश्चन बना हुआ है एंड उनका आंसर की भी आपके पास राइट किया हुआ है। तो आप मैच कर सकते हैं, अपना पेपर सोल्व करना है डेली एक पेपर सोल्व करना है एंड अपना आंसर चेक करना कितने आंसर अपने करेक्ट हुए है, इस टाइप से आपको चेक करना होता है ये चीज। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका। नेक्स्ट इसके बाद जो मैथ्स के 5 बुक्स की बात करें उसमें 2 बुक्स आपने देखा, इसके बाद जो थर्ड आपका वो चीज देखते हैं हम, ये आपको देखना है यहाँ पर, ये आपके जो 6th का स्टूडेंट भी कर सकता है 9th के स्टूडेंट भी कर सकता है, ये मेन चीज सभी के लिए। अभी 6th 9th का मैं अलग अलग और दिखाऊंगा, ये मेन चीज सभी के लिए, उसमें काफी अच्छा स्टडी मटेरियल आपके लिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, जितने भी आपके मैथमेटिक्स टॉपिक्स है वो उनसे सभी से रिलेटेड है। जैसे हम एलसीएम एचसीएफ जो कॉमन टॉपिक होता है सभी के पास आपके पास एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो किस टाइप से देखना है यहाँ पर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 432 एंड देयर एचसीएफ इज 72, इफ वन ऑफ द नंबर इज 144 द सेकंड नंबर आपके पास क्या होगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, जो आपके जैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वैसे क्वेश्चन है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे नीचे इनका सोल्यूशन दे रखा है, अगर किसी स्टूडेंट को सोल्यूशन में प्रॉब्लम आता है तो आप हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का आंसर भी आ गया एंड आपका एक्सप्लेनेशन भी आ गया, इस टाइप से आपको ये सोल्व करना होता है। इसमें आप हर एक टॉपिक से किस कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं उसके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपना। फर्स्ट पे फिर हम बात करते हैं जैसे टाइम एंड वर्क के लिए, तो टाइम एंड वर्क के रिलेटेड आपका इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 25 डेज, बी कैन डू 50 डेज, इन हाउ मेनी डेज टुगेदर ए एंड बी वर्क कंप्लीट। तो आप इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे वही आपका सॉल्यूशन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ रहेगा। 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आपको 50-50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आने का चांसेस है वैसे इसमें क्वेश्चन गिवन है। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, तो मैंने आपको 3 टाइप का आपका जो मेन बुक था वो शो किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए आपका 6th का यहाँ पे है, 8th का यहाँ पर है, 9th का यहाँ पर है, टोटली आपका 5 बुक्स हो जाएगा मैथ्स का। अगर इतना करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मैथ्स का। अब सेकंड पॉइंट बात कर लेते अपना, क्योंकि मेन चीज मैंने आपको बताया अदर अकेडमी अगर आप कैसे भी चाहे आप कैसे भी प्रोवाइड करें वो, तो आपके पास कई टाइम क्या होता है बुक का ही आपको फोटोकॉपी मिल जाता है तो बच्चे उससे क्या दुखी हो जाते हैं, मीन्स उससे नाराज होकर सोचते हैं कि आप कहीं और से मंगवाएंगे तो वहीं पे भी वो मिलेगा। तो हमारा स्टडी मटेरियल इस टाइप का रहता है, वो आपने देखा होगा किस टाइप से सोल्व करना है। फिर सेकंड आपका इंग्लिश के हमारे 2 बुक्स है, 2 बुक्स आपके पास, ये नहीं कि 2 बुक्स शॉर्ट शॉर्ट आपके की 50 पेज के 2 बुक्स बना दिया, इसमें आपके पास 1000 पेजेस से भी ज्यादा पेजेस है जिनमें आपके पास 5000 से भी मोर देन क्वेश्चन है। वो किस टाइप के वो भी अगर आप देखना तो एक बार देख लेते हैं हम कि आपके पास किस टाइप के हैं। ये आपका उसका किस टाइप के आपके पास, सॉरी ये आपके जीके का ओपन हो गया, पहले जीके का देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम इंग्लिश का नेक्स्ट टाइम ओपन कर लेंगे। तो जीके के आपके इस टाइप से क्वेश्चन बने हैं, ये क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। पहले आपका एक स्टडी मटेरियल एक बुक था उसके अंदर हमने ये क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवाया, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आपको जितना लर्न करना है पूरा प्रैक्टिस करना, जो आने के चांसेस है इंपोर्टेंट क्वेश्चन
वही उसमें आपके डालेगे क्वेश्चन। तो आपको सभी को पूरा कोशिश करना है, सभी स्टूडेंट लर्न करें एंड सभी के पास अगर स्टडी मटेरियल रहेगा तो वो क्या क्लास में भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एंड जो हमारा संडे पेपर होता है उसमें काफी बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट पेपर देते हैं तो अच्छा स्कोर भी करते हैं, तो इन्हीं से होता है वो चीज। तो आप जितना लर्न करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा वो चीज, तो आपको मैक्सिमम लर्न करना। इसके बाद नेक्स्ट में आपको दिखाना चाहता हूं, ये आपका रीजनिंग का आ गया। ये किसके लिए? आपका रीजनिंग के लिए आपका अच्छा से अच्छा बेस्ट स्टडी मटेरियल है। जैसे आपका टॉपिक आ गया एनालॉजी, तो एनालॉजी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम बात करते हैं। पहले आपको बताया हुआ है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर जेंडर बेस्ड आता है तो मैन वुमेन बॉय गर्ल नेफ्यू नाइस बुल काउ, तो इस टाइप से आपके पास सिमिलरिटी रहती है वो चीज आप चेक करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक हो गया आपका, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये सोल्व करना है। आपको क्वेश्चन शो कर देता हूँ, इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चंस रहेंगे, इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद क्या करना, आंसर किसे अपने मैच करना है। नीचे आपको आंसर की भी इसका शो रहेगा। ये आपके पास जैसे क्वेश्चंस हो गए, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस है इसमें 87, तो ये आपका आंसर क्यों हो गया। इनसे आपको अपना आंसर मैच करना, इस टाइप से आपके पास रीजनिंग का ये स्टडी मटेरियल हो जाएगा। इसके अंदर हम इस बार आपको जो लास्ट ईयर जितने भी पेपर्स हुए 2012 से अभी तक 2020 तक, उनका भी हम आपको आंसर की के साथ आपको पेपर प्रोवाइड करवाएंगे। ओरिजिनल पेपर जो वहां पर पेपर आया आपका पास वही पेपर आपको मिलेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। और एंड 5000 तो मैंने आपको बताया इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में काफी बच्चों को डाउट भी रहता है उस चीज के लिए, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस टाइप से आपके पास क्वेश्चन बने हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सभी कैंडिडेट को पता है कि आपको क्वेश्चन आता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना, तो करेक्ट इनमें से आपका कौन सा स्पेलिंग है, तो उसका आंसर गिवन है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके पास टेंथ से रिलेटेड है, टेंथ आप थर्ड क्लास में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, मीन जहां तक आप पढ़ाई करते हो तो इंग्लिश में टेंथ तो आपका रहता ही है, तो उसके लिए आपके पास वेरी क्विकली व्हेन आई मेट यस्टरडे, तो सभी को पता है यस्टरडे आपके पास किसके लिए यूज होता है, कौन से टेंथ के लिए, वॉज वॉकिंग, तो आपका वॉज वॉकिंग इसमें ये ऑप्शन इसमें मैच हो जाएगा वॉकिंग। इसके बाद नेक्स्ट देखना आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, फिर थर्ड फोर्थ, इस टाइप से आपके पास टोटली क्वेश्चन कितने 5000 क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जिनके आने के चांसेस रहते हैं वही आपके इसमें इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं पेज कितना इसमें 1166, आपके पास 1000 से मोर देन पेजेस है इसमें 1166। यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं 1100 पेज पर, उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आ रहा है 4653, तो आपके पास मेन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5000 क्वेश्चन वो आपके पास इसमें इंग्लिश में मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आपका पेपर के लिए, मैंने आपको बताया कि 2012 से आपके पास पेपर्स 2020 के बिटवीन जितने भी पेपर लगे हैं उनका आपके पास पेपर मिलेगा कंप्लीट एंड उनका आंसर की मिलेगा। पहले आपको सोल्व करना है, फिर उसका आंसर की अपना मैच करना है कि अपना कितना करेक्ट है कितना रोंग है। जैसे हम बात करते हैं आपका, ये रहा आपका पेपर, जैसे आपका पेपर है जिसमें आपको देखना है यहाँ पर फर्स्ट पेज आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है 2013 का है। ये पेपर आपके पास 2013 का है जिसमें आपके फर्स्ट इंग्लिश से स्टार्ट होता है, इंग्लिश क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन है, 50 के आफ्टर आपका किसका स्टार्ट हो रहा है जनरल नॉलेज का आपका पेपर स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पर तो वो एक्सचेंज हो गया थोड़ा सा, फिर यहाँ पर आपका ये रीजनिंग का हो गया 100 आगे, फिर आगे आपका फिर रीजनिंग के आफ्टर आपका मैथ्स का पेपर हो जाएगा, मीन्स आपका कंप्लीट 200 क्वेश्चन है इसमें। सॉरी, पहले आपका 2013 में था तब आपके पास 180 क्वेश्चन ही थे, आपके पास जब 2012-13 में पेपर लगता था 180 क्वेश्चन आते थे, तो वो आपको देख लेना किस टाइप से पेपर है, उसमें आपके पास कंप्लीट 180 क्वेश्चंस की आंसर की भी आपके पास। इसके बाद हम बात करते हैं जो अभी मैंने आपको बताया 6th, 7th, 8th का जो आपका स्टडी मटेरियल था, उसके लिए भी बच्चों को डाउट रहेगा कि किस टाइप का रहता है। जैसे 6th का हम बात करेंगे, आपका 6th के ओरिजिनल की बात करेंगे तो आपका इस टाइप का रहता है। ये तो अभी आपका हुआ पेपर सर 40 क्वेश्चन वाला ओपन हो गया, सॉरी आपका ये 40 क्वेश्चन वाला है। इसके बाद नेक्स्ट देखना आपको, हाँ इस टाइप से रहता है। जैसे आपके पास फर्स्ट चैप्टर हो गया नंबर्स, मेन चीज आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से आप मान के चले 15-20 क्वेश्चन आपके पास पेपर में मिलते हैं, तो वो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है। फर्स्ट वर्कशीट हो गया, एमसीक्यू वर्कशीट सेकंड हो गया, एमसीक्यू वर्कशीट थर्ड, एमसीक्यू वर्कशीट। इसके बाद आपका नोविंग ओवरऑल का प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिस टाइप का आपके पास आरआईएमसी में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बेसिक से स्टार्ट है, आरआईएमसी लैंग्वेज वाला वो पेपर भी आता है आपके पास, नोविंग ओवरऑल असाइनमेंट आपके पास,
इस टाइप के लैंग्वेज क्वेश्चन आपके पास आते हैं। फिर सेकंड प्लेइंग विद नंबर्स, इस टाइप से आपके पास सिक्स का हो गया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपके किसका हो जाएगा, ये एट का हो जाएगा। इसी टाइप से एट का बना हुआ है, रेशनल नंबर से रिलेटेड आपका ये टॉपिक हो गया, रेशनल नंबर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन। फिर रेशनल नंबर से फिर आपका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन रेशनल नंबर से रिलेटेड टोटल 133 पेज है, ऑल चैप्टर से इसमें रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे हम बात करना चाहें यहाँ पर आपके पास 58 पेज है, कौन सा पेज है 58 पे देखना चाहेंगे हम आपके पास चैप्टर है डायरेक्टली इनवर्स प्रपोजल। नाइन्थ क्लास के लिए अच्छा टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड आपको जो इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कंप्लीट दिया हुआ। ऐसा ही आपका नाइन्थ का एक और बुक बना हुआ है, ये नाइन्थ के लिए हो गया। थोड़ा सा लेवल का आपका जो करना होगा आपको नंबर सिस्टम इस टाइप से, क्योंकि थोड़ा लेवल का भी आता है नाइन्थ का पेपर, तो वो आपको ये सोल्व करना होता है इस टाइप से। इसमें भी हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे यहाँ पर हम बात करना चाहे 1-2-3 पेज पर, 1-2-3 पेज पर आपका हीरोन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो इस टाइप से वो क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको सोल्व करना। अब हम बात करते हैं कि आपके पास टोटली ये आपको ये तो आइडिया है कि कितने का स्टडी मटेरियल है। टोटली आपको 5000 का स्टडी मटेरियल था, टोटली आपको कितना था 5000 स्टडी मटेरियल, जिसमें आपके लिए छूट किया गया एक ओनली 1 रुपीज का 4999 आप रुपीज डिपोजिट करके अपना स्टडी किट मंगवा सकते हैं। वो आपके पास कोरियर हो जाएगा या स्पीड पोस्ट कैसे भी आपके पास अवेलेबल हो पाएगा, उस हिसाब से आपके पास मिल जाएगा। अगर आप हमारा अकेडमी विजिट करके भी ये चीज आप प्रोवाइड कर सकते हो भी। इसके बाद आपका नेक्स्ट इन कॉन्टेक्ट नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है। कौन सा कॉन्टेक्ट आपके पास 8696543210, तो इन पर आपका कॉन्टेक्ट हो जाएगा। ये अपना मेन अकेडमी नंबर है आपके पास 9636961534, तो इन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे आप अपना जो आपके स्टडी किट के लिए जो आपको फी बताया वो डिपॉजिट करके आप स्क्रीनशॉट भेज देना आपको एंड अपना एड्रेस सेंड कर देना, तो आपको स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से ये मिल जाएगा आपको। ओके।